वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे करंट अफेयर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम यहाँ पे 29 नवंबर 2017 के एमसीक्यू देखने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं आज के एमसीक्यू। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही है यहाँ पर, क्या बोल रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे कि जीएसटी शासन के तहत नव गठित राष्ट्रीय एंटिटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो वो यहां पे किसको नियुक्त किया गया है, तो वो देखिए यहां पे आंसर सी हमारा करेक्ट रहेगा। यहां पे बद्री नारायण शर्मा को, इनको यहां पे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके बारे में एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। ये राजस्थान कैडर के 1985 बैच के एक आईएएस अधिकारी है जिनका नाम यहाँ पे बद्री नारायण शर्मा है, ठीक है। इनको गुड्स एंड सर्विसेज शासन के तहत नए जो गठित राष्ट्रीय एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी है उसका अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सेकंड क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत उच्च रक्तचाप प्रबंधन यानी कि IHMI शुरू की है, ठीक है। तो वो यहाँ पे किसने शुरू की है, तो वहाँ यहाँ पे हमारा आंसर डी करेक्ट रहेगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। इनके द्वारा यहाँ पे ये प्रबंधन पहल शुरू की गई है। इनके बारे में अगर हम एक बार थोड़ा सा देख लें तो ये भारत का उच्च एक रक्तचाप प्रबंधक पहल है जो कि नवंबर को नई दिल्ली में प्रीति सुडान जो कि एक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है और डॉक्टर सोमैया जो कि स्वामीनाथन जो कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के निदेशक है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे 28 नवंबर 2017 को इस पहल को शुरू किया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ऊर्जा क्षमता को नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का पहला संस्करण यानी कि इंस्पायर 2017 किस शहर में शुरू हुआ, ठीक है। तो वो यहाँ पे शुरू हुआ है जयपुर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बी हमारा करेक्ट रहेगा। इसके बारे में अगर हम एक बार थोड़ा सा देख लें तो ये जो ऊर्जा दक्षता है यानी कि इंस्पायर 2017 में जो नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का पहला संस्करण 27 नवंबर 2017 को जयपुर जो कि राजस्थान के अंदर है इसके अंदर शुरू होने के लिए जा रहा है और 5 दिवसीय संगोष्ठी ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के द्वारा जो भागीदारी साथ आयोजित की जा रही है विश्व बैंक और जो इसके साथ जो अलायंस किया है अलायंस फॉर एनर्जी एफिटिंग इकोनॉमी जो कि प्रेरणा 2017 का वैश्विक सम्मेलन का इसका एक उद्देश्य रहेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक जो कि CMD के रूप में कौन नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर सी करेक्ट रहेगा, प्रदीप सिंह खारोला, ठीक है। इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा देख लें तो ये 1985 बैच के कर्नाटका कैडर के एक IAS अधिकारी है, ठीक है, जिनका नाम कि यहाँ पे प्रदीप सिंह खारोला है। ये यहाँ पे एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये यहाँ पे जो राजीव बंसल को एक बंसल का जो एक सफल होगा जो कि जो अंतरिम CMD के रूप में 3 महीने से अधिक समय से सेवा कर रहे हैं और वर्तमान में अगर इनके बारे में बात की जाए तो ये जो श्रीराम खरोला जी है ये बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, किस भारतीय बैंक ने डिजिटल सप्लाई चैन फाइनेंसिंग समाधान शुरू की है, तो वो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट रहेगा वो रहेगा ए, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे छोटे और जो मध्यम उद्यमियों को जो कि बड़े जो कॉरपोरेट ग्राहकों को और जो कार्यशील पूंजी ऋण देने के लिए यहाँ पे एक डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला वित्त समाधान शुरू की है और इससे होगा क्या, देखिए इस समाधान से जो पूर्व और बाद में जितने भी यहाँ पे शिपमेंट उत्पादक है उसको कवर करेगा यानी कि डीलर या फिर जो चैनल वित्त है या फिर विक्रेता वित्त है या फिर देव वित्त है ये सब जो सेवा होगी और रिपोर्टिंग क्षमता को बढ़ावा और यहाँ पे जो कार्यशील को पूंजी और ऋण की गति देगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस भारतीय राज्य ने
कोरिया पर्यटन महोत्सव 2017 की मेजबानी की थी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट रहेगा बी, हरियाणा ने। ठीक है, यहाँ पे जो 2 दिवसीय कोरिया पर्यटन त्यौहार जो कि 2017 हरियाणा के गुरुग्राम में 25 नवंबर को एक प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई पर्यटन स्थलों जो कि व्यंजन कला संस्कृति और देश की विरासत और प्रदर्शन के लिए आयोजित किया गया था। इस त्यौहार के अंदर यहाँ पे भोजन और काउंटर कोरिया जो कि एग्रो जो कि फिशरीज और यहाँ पे जो फूड ट्रेड कॉरपोरेशन द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। कोई यहाँ पे एक स्थानीय कोरियाई स्वादों का और स्वाद लेने के लिए जो भारतीय स्वाद है, कलियों की सुविधा देने के अलावा चेहरे की जो कि मुखोटा का चित्रकला हो गया, हंगेली सुलेख और वीडियो गैलरी जैसे कई इस तरह के यहाँ पे प्राचीन जो कार्यक्रम है वो हुए थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2017 फार्मूला वन अबू धाबी ग्रां प्री टूर्नामेंट किसने जीती है, तो वो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट रहेगा सी, वाल्टेरी बोतास। ठीक है, इन्होंने ये यहाँ पे टूर्नामेंट अपने नाम की है। ये जो वाल्टेरी बोतास है ये वर्तमान में मर्सिडीज के साथ फार्मूला वन में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो कि फिनिश रेसिंग ड्राइविंग ने 26 नवंबर 2017 को फार्मूला वन अबू धाबी ग्रां प्री टूर्नामेंट अपने नाम की है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किसकी कप्तानी में भारतीय पुरुष की राष्ट्रीय टीम ने 2017 एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीती है, तो वो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट रहेगा सी, यहाँ पे आएगा अजय ठाकुर। ठीक है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये भारतीय पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने 26 नवंबर 2017 को ईरान के गोरगन में अजय ठाकुर की कप्तानी में फाइनल में पाकिस्तान को हराकर 2019 एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा अगर भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम ने भी जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में 2017 में फाइनल में दक्षिण कोरिया को 42-20 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए किसको 3 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद प्रतिष्ठित इंडो लॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो यहाँ पे किसको किया गया है, यहाँ पे किया गया है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, हिरोशी मारुई। ठीक है, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। एक बार देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। ये यहाँ पे जापान के एक प्रोफेसर है जिनका नाम है हिरोशी मारुई, को यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध की जो 3री भारतीय परिषद ICCR प्रतिष्ठित इंडो लॉजिस्टिक अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया है, जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर नई दिल्ली में एक समारोह अनेक दार्शनिक योगदान के प्रदान किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने हमारे इस फेसबुक के पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।